टॉक हमारा में हम आज बात कर रहे हैं कि अगर आप सड़क पर उतरते हैं गाड़ी के साथ या बिना गाड़ी के भी, तो क्या क्या चीज़ें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हैं, किन किन चीज़ों को आपको जानना चाहिए। और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन उन्हें समझाने के लिए आज हमारे साथ आकांक्षा मौजूद है। आकांक्षा, स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में कई बार हम लोग सुनते हैं, ये नाम कई बार हमारे सामने आता है, लेकिन दरअसल ये है क्या और कितना ज़रूरी है इसको समझना, कितना ज़रूरी है इसको जानना? देखिए, जो मोटर व्हीकल एक्ट है, हमारे सारे दर्शक समझ लें कि ये एक जो एक्ट है, इसके तहत ही आपकी कोई किसी भी किस्म का व्हीकल जो होता है, जो पावर से चलता है सड़क पे, दुपहिया या चार पहिया या उससे भी बड़े, हर किस्म के व्हीकल को कवर करने के लिए ये एक्ट है हमारे पास। और आपकी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके राइट्स सड़क पर चलते हुए, आपके राइट्स किसी गाड़ी से दुर्घटना होने के बाद, और आपके कॉम्पेंसेशन क्लेम्स अगर एक्सीडेंट हो जाए, तो ये सब इस एक्ट से कवर हो। इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या है, क्योंकि कई लोग जो गाड़ियां चलाते हैं सड़कों पर, उन्हें इस एक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर मोटर व्हीकल एक्ट है क्या। देखिए, इस एक्ट में भी और एक्ट के बाहर भी मैं आपको बताऊंगी। हम जब दुपहिया वाहन या चारपहिया वाहन पर सवार होकर चलते हैं, तो हमें कुछ बातों का अत्यंत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमारे पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो इसलिए क्योंकि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस एक टेस्ट के बाद हमें मिलता है, उसमें स्पेसिफाइड होता है कि आप छोटे व्हीकल या बड़े व्हीकल चला पाएंगे, आप लर्नर हैं या फिर आप प्रॉपर ड्राइवर हैं। उसके बाद हमें अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस पक्का रखना चाहिए, ताकि हमारा ही नहीं, अगर हमसे गलती से भी किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, तो उसका भी कॉम्पेंसेशन का इंतज़ाम हो पाए। और तीसरा, हमें अपने रजिस्ट्रेशन को अप टू डेट रखना चाहिए। आजकल पोल्यूशन चेक भी होता है गाड़ियों का, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और अपनी सेफ्टी के लिए गाड़ी ज़्यादा तेज़ ना चलाएं, सीट बेल्ट पहने और हेलमेट ज़रूर लगाएं। पिलियन राइडर को, जो पीछे बैठता है आपके दुपहिया में, उसको भी हेलमेट पहनना उतना ही आवश्यक है जितना कि टू व्हीलर चलाने वाले को, क्योंकि दुर्घटना होगी तो दोनों को बराबर चोट आएगी। तीसरी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं इस वक्त ये कहना चाहूँगी कि गाड़ी चलाते वक्त सेल्फी ना खींचें। जो मोबाइल लेके लोग फ़ोटो खींचने लगते हैं, और चार पहिया वाहनों में आजकल युवाओं में बहुत एक सेल्फी वीडियो बनाने का और लाइव वीडियो बनाने का क्रेज़ है, इसको प्लीज़ इंकरेज ना करें। आप देखें तो लोगों को मना करें, अगर आपके दोस्त कर रहे हैं तो ना करें। और इसके बाद आता है स्पीड में गाड़ी ना चलाएं, एंड स्पेशली अवॉइड ड्रिंक एंड ड्राइव। अगर आप थोड़ा भी अल्कोहल के नशे में हैं तो गाड़ी ना चलाएं, किसी और से चलवाएं या गाड़ी खड़ी करके कुछ और अरेंजमेंट कर लें। आकांक्षा, एक चीज़ हम यहाँ जानना चाहेंगे कि इंश्योरेंस के संदर्भ में फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी का मतलब आखिर क्या है? जी, इनफैक्ट करवा भी लेते हैं और नहीं जान पाते हैं कई बार। ऋषि, पहली पार्टी तो हुए हम जो इंश्योरेंस करवा रहा है। जैसे मसलन मेरी गाड़ी है, तो मैं अपने नाम पे करवाऊंगी उसका इंश्योरेंस, तो मैं फ़र्स्ट पार्टी हो जाऊंगी उसकी। और उसकी सेकंड पार्टी होगी बीमा कंपनी, जो कोई भी कंपनी हो, मसलन LIC, ओरिएंटल, ऐसी बहुत सारी कंपनी है प्राइवेट सरकारी, तो वो सेकंड पार्टी। और थर्ड पार्टी, जो ज़्यादातर मोटर व्हीकल्स केसेस में हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी होती है जिसको क्षति पहुंची हो, यानी अफेक्टेड पार्टी। जैसे आप, मैं गाड़ी चला रही हूँ और एक्सीडेंट हो गया, तो अगर किसी को चोट लगे तो वो थर्ड पार्टी होगा, और वो फिर क्लेम कर सकता है हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी से, जिसकी टू पार्टीज मैं और मेरी कंपनी है। आकांक्षा, कई बार जब लोग गाड़ी खरीदते हैं तो उनके लिए कई सारे नियमों को जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपने गाड़ी तो ले ली, लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि उससे जुड़े हुए तमाम नियम और जो तमाम कागजात हैं उनके बारे में आप विस्तार से जानें। हम चाहेंगे कि उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो हमें गाड़ी सड़क पे लानी ही नहीं चाहिए जब तक कि आपका रजिस्ट्रेशन RTO के पास ना हो गया हो। हमें पहले एक टेम्प्रेरी नंबर मिलता है, उसके बाद एक परमानेंट नंबर मिलता है, जो कि बहुत बहुत आवश्यक होते हैं और ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसके बिना आपका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। जो पूरी अथॉरिटी है RTO हमारी गाड़ियों की, उनके पास रिकॉर्ड मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है कि आपका गाड़ी का क्या नंबर है, आपने कब उसको सड़क पर उतारा, क्योंकि कभी कुछ भी हो जाए, आपकी गाड़ी के साथ डैमेज हो या आपसे गलती से किसी और को कुछ भी डैमेज हो जाए, तो उसका
था फर्दर कॉम्पनसेशन या कार्रवाई करने के लिए ये मददगार होता है, और इसके बिना अलाउड ही नहीं है गाड़ी चलाना। इंश्योरेंस भी इसी प्रकार इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपका डैमेज, आपका पर्सनल सेफ्टी और दूसरे आदमी की गाड़ी और उसकी पर्सनल सेफ्टी, ये सब चीज़ें उससे कवर्ड होती हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो होती है ड्राइविंग लाइसेंस। अब इसके बिना तो ये माना ही नहीं जा सकता कि आप गाड़ी चलाने के योग्य हैं। तो अयोग्यता जो होती है गाड़ी चलाने की, जो इसको लाइसेंस कहा जाता है ड्राइविंग का, वो आपको लेना बहुत आवश्यक है। ये लर्नर्स होता है, परमानेंट होता है, और एक लाइट मोटर व्हीकल, एक हैवी मोटर व्हीकल और एक गियरलेस व्हीकल जो स्कूटी लड़कियाँ चलाती हैं, इन तीन और ये दो टाइप के लाइसेंस दिए जाते हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी योग्यता के हिसाब से परफेक्ट ड्राइविंग लाइसेंस लीजिए, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाइए और आरसी को हमेशा अपने पास रखिए। बिल्कुल, ड्राइविंग लाइसेंस का जिक्र भी आपने यहाँ पर किया, और हम जानना चाहेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस, जैसा कि आपने बताया कि अलग अलग तरीके के होते हैं, तो इनको लेकर किस तरह के नियम हैं और वो किस तरह से अलग हैं एक दूसरे से? जी, आप जाते हैं और आप वहाँ से जब आरटीओ में टेस्ट देने जाते हैं और जो आप फॉर्म भरते हैं उस पर आप अपनी रिक्वायरमेंट लिखिए। मान लीजिए आपके मसलन घर में एक टू व्हीलर है और एक कार भी है, तो आपको एक लाइट मोटर व्हीकल और टू व्हीलर का दोनों का लाइसेंस मिलेगा। इसमें जो अपर वाले होता है उसे माना जाता है कि नीचे के आप सारे चला ही लेते होंगे, इसीलिए आपको अपर दिया गया है। मसलन मेरे पास एक लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो मैं एक बस या ट्रक नहीं चला सकती हूँ, तो मुझे बस और ट्रक के लिए हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस अलग से लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास एक गियरलेस स्कूटर के लिए लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है और आप बड़ी एसयूवी किस्म की गाड़ी या कोई मिनी बस चलाना चाहें तो वो गलत होगा। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आरटीओ से मांगिए और आरटीओ आपको योग्यता के हिसाब से लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर क्रिमिनल केस बनता है, और ये क्रिमिनल केस किस तरह से होता है, किस तरह से काम करता है, कौन कौन सी धाराएं आईपीसी के इसके अंदर बताती हैं, ये भी हम जानेंगे। क्या आकांक्षा आपने बताया? जी देखिए, किसी भी किस्म का दुर्घटना होने पे एक तो मोटर व्हीकल के सेक्शन के हिसाब से आपकी कल्पेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी डिटरमाइन करता है पुलिस। इनकी सहायता करते हैं आरटीओ और जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो, और इसी के साथ आपको ये जानना चाहिए इसलिए कि हम सावधान रहें कि पूरी कल्पेबिलिटी या फिर जो पूरी जिम्मेदारी हम पे आती है वो क्रिमिनल केसेस जैसी ही होती है, और इसमें जो इंडियन पिनल कोड है उसकी जो धाराएं हैं वही लगती हैं। मसलन अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो 302, 304 ये सब लगेंगे आप पे, केयरलेस एंड रेकलेस ड्राइविंग के सेक्शन लगेंगे, आप इसी के तहत अरेस्ट भी हो सकते हैं और आप जेल भी जा सकते हैं। आपको मतलब पनिशमेंट कन्विक्शन पूरा आईपीसी के हिसाब से ही होता है, तो इसको आप हल्के में ना लें, सड़क पे बहुत ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएं ताकि आपकी और दूसरों की सेफ्टी बनी रहे। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति का इंश्योरेंस नहीं है और उसके साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना घट जाती है, तब उसे किस तरह से क्लेम मिलेगा, किस तरह से मुआवजा मिलेगा? जी ऋषि, ये बहुत ही आम चीज़ है जो हर किसी के साथ कभी भी हो सकती है। आप सड़क पे चल रहे हैं एज अ पेडेस्ट मतलब रागीर हैं और आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, तो आपके पास जो कवर है वो है कि आप जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी के मालिक से और उनकी कंपनी से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का क्लेम ले सकते हैं, और आप अगर खुद इंश्योर्ड हैं तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप एक स्मॉल, अगर आपका मुआवजा 15,000 तक का है तो आप स्मॉल क्लेम्स ट्राइब्यूनल में जाइए और वहाँ से मुआवजे के लिए दरख्वास्त कीजिए, और अगर आपका मुआवजा 15,000 से ज़्यादा जाता है, मान लीजिए इलाज में या फिर अपनी गाड़ी के रिपेयर में अगर आप गाड़ी पर सवार थे, तो फिर आप मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाके 15,000 से ज़्यादा मुआवजे की अर्ज़ी लगा सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में आपको ये मिल ही जाता है, या फिर जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल होते हैं MACT उस पर भी जाया जा सकता है। बिल्कुल, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई तमाम सारी बातें हमने जानी, और हम यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी तरह की कोई सड़क दुर्घटना होती है, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए ऋषि, वैसे तो हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, पर मान लीजिए अगर हो गया ऐसा कोई एक्सीडेंट जिसमें आपकी गाड़ी इन्वॉल्व है, लोग इन्वॉल्व हैं और शायद दूसरी गाड़ी भी इन्वॉल्व है, तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें पोटेंशियल मदद मिले पुलिस से भी और इंश्योरेंस कंपनी से भी, हम सही इंश्योरेंस का मुआवजा ले पाएँ। अब देखिए, अगर आपकी दुर्घटना हो गई है तो आप पहले पुलिस को फ़ोन करिए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में,
नहीं है, अगर कहीं बाहर है तो डायल 100 जो नंबर होता है पुलिस का उस पर करिए। मध्य प्रदेश की सेवाएं एकदम उच्चतम है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आता है, उनको कॉल करिए। अगर आप किसी ट्रैफिक पुलिस को देख पा रहे हैं तो उनको बुलाइए, नोटिफाई करिए, ज़रूरत हो तो एम्बुलेंस को बुलाइए। ये आपका प्राइमरी वो होता है। फिर अगर किसी को इंजरी हुई है आपकी गाड़ी में, किसी और की गाड़ी में या सड़क चलते, उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करिए, उसके लिए नियरेस्ट हॉस्पिटल का इंतज़ाम ढूंढिए, उसको पहुंचाइए जल्दी से जल्दी। अब इसके बाद आती है बात आपकी गाड़ी की। आप अपनी गाड़ी में जितना डैमेज हुआ है उसको बिना हिलाए उस गाड़ी को वहाँ से, हम गलती ये करते हैं कि गाड़ी हम हिला देते हैं या स्पॉट से ले जाते हैं, तो उससे आपका इंश्योरेंस क्लेम में फ़र्क पड़ जाता है और पुलिस में आपका केस भी बनना मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसा करिए कि आप उसी वक्त जितने हो सकता है उतने एंगल से अपनी गाड़ी में और जितना डैमेज हुआ है उसी वक्त उसकी फ़ोटोग्राफ्स लीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग हो पाए तो वीडियो रिकॉर्डिंग कराइए, अपनी करिए, दूसरी गाड़ी जो इन्वॉल्व है उसकी भी सेम करिए। और ये सब चीज़ें आप याददाश्त के लिए लिख लीजिए। मसलन आप क्या क्या लिखेंगे, फ़ोटो आपने खींच ली, उसके बाद आप लिखिए कि उस वक्त समय क्या था, मौसम कैसा था, किस हालात में एक्सीडेंट हुआ। आपको लगता है कि दूसरी गाड़ी की गलती है तो वो लिखिए कि आपको क्यों लगता है कि दूसरा गाड़ी वाला शायद ध्यान से नहीं चला रहा था। अगर आपको शक है कि दूसरी गाड़ी में जो ड्राइवर है उसने शायद अल्कोहल पिया हो या कुछ और गड़बड़ी हो, तो आप वो लिखिए और पुलिस को उसी वक्त बताइए। आप पूरा नोट डाउन करिए कि आपकी गाड़ी में कितने लोग सवार थे, उनके नाम, पता, एड्रेस, आपके गाड़ी जो चला रहा था उसका ड्राइविंग लाइसेंस के डिटेल्स, दूसरी गाड़ी में जो बैठा था उसके ड्राइविंग लाइसेंस के डिटेल्स लीजिए। आप देखिए कि आपके पास पोटेंशियल विटनेस कितने हो पाते हैं अगर आपका केस बाद में बने, मतलब साक्षी कितने हुए आपके एक्सीडेंट के। कुछ लोग आसपास वाले देख रहे थे, कुछ दौड़ के आए, कोई एम्बुलेंस वाला आ गया, कोई पुलिस वाला आ गया, तो ये आपके पोटेंशियल प्राइमरी विटनेस हो जाते हैं। तो आप इनका भी डिटेल्स नोट डाउन कर लीजिए, आपको बाद में सहायक होंगे। आपने जो FIR करवाई है आप उसकी एक कॉपी लेके रख लीजिए, आपको इंश्योरेंस में देनी पड़ सकती है, नहीं तो आपको बाद में इसके लिए परेशान होना पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को अपना पर्सनल इंश्योरेंस फॉर इंजरी पर्सनल एंड व्हीकल वाले इंश्योरेंस के लिए, व्हीकल के डैमेज के लिए, आप जल्दी से जल्दी उनको भी फ़ोन करके बता दीजिए, अपने इंश्योरेंस कंपनी को, एजेंट को या ब्रोकर को। इससे आपको जल्दी से जल्दी सहायता राशि प्राप्त हो सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो अपना प्लीज़ काम मेंटेन करिए, घबराइए मत और इन सब चीज़ों की सहायता से इस एक्सीडेंट से उबरने की कोशिश कीजिए और पुलिस की पूरा पूरा कोऑपरेट कीजिए पुलिस के साथ। और इसके अलावा किन किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए ये भी हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। आप पुलिस के आने तक अपनी गाड़ी जगह से नहीं हटाएं, क्योंकि उसकी अदरवाइज़ जो मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शंस हैं वो अप्लाई करने के में पुलिस को बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर आपके मान लीजिए पीछे से किसी गाड़ी ने आपको डैमेज कर दिया है या फ्रंट ऑन कोलिजन हुआ है, तो इन बोथ दीज केसेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पुलिस टू मेक अ प्रॉपर केस। वो प्रॉपर केस तभी बन पाएगा जब वो इन सीटू देखेंगे कि क्या पोजिशन थी गाड़ियों की। आप दूसरे गाड़ी के ड्राइवर्स के साथ देखिए लोग क्या करते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं या लड़ाई झगड़ा, वो उसके बजाय आप शांति मेंटेन करिए और सिर्फ पुलिस को आके उनके अपनी कार्रवाई करने दीजिए, उससे आपका मामला बिगड़ सकता है। आप पुलिस पे छोड़ दीजिए और देखिए कि फिर आगे क्या करना है, आप फर्दर और डैमेज मत करिए। दूसरी ज़रूरी बात है अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो पुलिस को इन्फॉर्म करिए जल्दी से जल्दी। अगर आपको और किसी किस्म की चोट आई है शारीरिक, और तो फिर आप हॉस्पिटल जाइए या फिर पुलिस को बोलिए कि आपको हॉस्पिटल ले जाया जाए उसी वक्त। मान लीजिए दुर्घटना की समय स्थिति ऐसी बन जाती है कि गाड़ियाँ जो है उन्हें हटाना ज़रूरी ही हो जाए जी, तब ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए ज़्यादा से ज़्यादा तो कोशिश करिए कि ऐसा ना हो, जल्दी से जल्दी आप एक पुलिस वाला बुलाएं ताकि उसके सामने उसके वो विटनेस कर लें कि आप ये क्या कर रहे हैं और वो नोट डाउन कर लें कि आपने ऐसा क्यों किया। और आपने देखा होगा अगर ऐसा होता भी है तो कई बार सिर्फ गाड़ी टो करके या क्रेन से साइड में कर दिया जाता है और उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है जब तक कि पुलिस और इंश्योरेंस वाले अपना काम शुरू नहीं करते हैं उस पर। पर आपकी सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हैं इंजोर्ड या आपसे कोई गाड़ी से इंजोर हो गया है तो उनको पहले प्राइमरी केयर, फर्स्ट एड और हॉस्पिटल पहुंचाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी तरह की दुर्घटना के बाद जब कंपनसेशन की बात आती है तो वो लोगों को जिन्होंने इंश्योरेंस कराया हुआ होता है उन्हें बाद में मिलता है, लेकिन घायल लोगों को, पीड़ितों को
उसी वक्त इलाज की जरूरत होती है। आकांक्ष, हम चाहेंगे कि इस बारे में आपने बताएं कि क्या इस तरह की समस्याओं से बचने का या इस तरह की समस्याओं को दूर करने का कोई उपाय, कोई निदान है? जी, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। पर इसी एक्ट के तहत आपको ये प्रोटेक्शन और ये फैसिलिटी है कि आप एक इंटरिम रिलीफ के लिए अर्जी डाल सकते हैं कोर्ट में। वो जो आपका MECT बोलते हैं, जिसको मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल, उसमें आप ऐसा इंटरिम रिलीफ डालिए कि आपका मामला डिसाइड होने से पहले आपको उस वक्त तक के लिए किसी तरह की सहायता मिल जाए। अगर जो कई बार जब लोगों का ट्रांसफर होता है, उन्हें स्थानांतरित किया जाता है उनके काम को लेकर, तब वो गाड़ियां भी अपनी एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं, उस समय कौन कौन से नियम लागू होते हैं, ये भी हम चाहेंगे कि लोगों को, आप दर्शकों को आप बताएं। देखिए, अगर आप एक साल से कम के लिए जा रहे हैं तो फिर आप ऐसे ही चला सकते हैं अपने व्हीकल को, 2-व्हीलर या 4-व्हीलर हो। पर अगर आप एक साल से ज़्यादा के लिए या एक साल के बाद उस नई जगह में जहाँ आप पहुँचे हैं वहाँ पे अपनी गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। जो आपका पिछला स्टेट है रजिस्ट्रेशन का, मसलन आप यूपी से अगर MP आए हैं, तो यूपी में जो आपका RTO है वहाँ से एक NOC लेके आइए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपको अलाउ करते हैं कि आप दूसरी जगह गाड़ी को रजिस्टर करवा लें। उसके साथ ही आपको वहाँ के ट्रैफिक पुलिस से एक NUDU सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आप पे कुछ फ़ाइन या चालान बकाया नहीं है। ये दोनों आप लेके आइए, और उसके साथ में आपके जो परमानेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं गाड़ी के, इंश्योरेंस, उसका RC और आपका ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, ये सब लेके आप नए वाले RTO में आइए। वहाँ पे एक फॉर्म 27 और 28 होते हैं, उनको भरिए, और बहुत सारे और डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका एड्रेस और आपकी फ़ोटोग्राफ और आपके बर्थ सर्टिफिकेट या एट्सेट्रा, जो भी वो रिक्वायरमेंट हो वो आप प्रोड्यूस करिए, और फिर आपको शायद कुछ डिफरेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन चार्ज जो होता है, जो टैक्सेस में फ़र्क होता है, वो आपको देना पड़ेगा, और फिर आपको एक नया रजिस्ट्रेशन इशू हो जाएगा नए स्टेट का। ये सिर्फ UP MP में नहीं, देश के बाकी जगहों में भी चलता है। जैसे आप दिल्ली से बॉम्बे जाएं तो भी आपको ये करवाना पड़ेगा। और इसमें एक एक्सेप्शन है कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जिनके साथ, जिनको माना जाता है कि जिनका स्थानांतरण या पोस्टिंग होगी ही होगी, उनको ये इसकी छूट है, उनको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर बाकी लोगों को, अगर आप एक साल से ज़्यादा दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो आप करवा लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको लोकल सहायता पुलिस की और RTO की ज़्यादा मिल पाएगी। इस कारण एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि जब रात में लोग गाड़ी चलाते हैं तो उस वक्त लाइटिंग को लेकर वो ध्यान नहीं रखते, वो अक्सर हाई बीम पर गाड़ी चलाते हैं, तो क्या ये ऑफेंसिव है और किस तरह से ये ऑफेंसिव है, ये भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट 105 सेक्शन जो है वो हमें यही बताता है उसके उसमें कि हाई बीम पे गाड़ी चलाना गलत है, और अगर आप रिपीटेडली बार बार यही करते हुए पकड़े गए तो आप पे फाइन भी लग सकता है, यहाँ तक कि जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है आपका RTO, वो आपका लाइसेंस रद्द भी कर सकता है। और जहाँ तक ये बात हुई हाई बीम पे, तो सिर्फ लॉ से ही हमें नहीं डरना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी हाई बीम से सामने वाले को देखने में कितनी समस्या हो सकती है और उसके विजन डिस्टॉर्ट होता है। तो ये हाई बीम के कारण भी हाईवेज पे और रात को काफ़ी लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सावधानीपूर्वक लिमिटेड स्पीड में गाड़ी चलाएं, ना कि ज़बरदस्ती पूरे रोड पे कब्जा करते हुए हाई बीम पे चलाएं। एक और बड़ी चीज़ है कि गाड़ी चलाते वक्त नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन कई लोग इससे बाज नहीं आते और नशा करने के बाद गाड़ी चलाते हैं, ये किस तरह का अपराध है, इस बारे में भी हम चाहेंगे कि आप जानकारी। देखिए ऋषि, ये ऑफेंसिव भी है और ये ऑफेंस भी है, तो इसमें हमें ये करना चाहिए कि हम ऐसा बिहेवियर एंकरेज ना करें, कभी गाड़ी में बैठ के अल्कोहल कंज्यूम ना करें, क्योंकि इस पे हम पे पब्लिक न्यूसेंस का केस भी बन सकता है, सिंपल IPC सेक्शंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। दूसरा कि ये मॉरली एंकरेज नहीं करा जाता है, आप भीड़ भाड़ में या मार्केट प्लेस में ऐसे अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं कर सकते। अल्कोहल का कंजम्पशन या तो अपने पर्सनल एरिया में करा जाता है या फिर जहाँ पे लाइसेंस होता है रेस्टोरेंट्स को पिलाने का, वहीं पे कवर्ड एरिया में करा जाता है। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ डन इन ओपन मार्केट स्पेसेस एंड पब्लिक एरियाज वेयर एवरीवन विल नॉट लाइक इट। दूसरा, ड्रिंक एंड ड्राइव, अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन करते हुए गाड़ी चला रहे हैं तो आप नशे में हैं और आप पे वॉलंटरी अल्कोहल कंजम्पशन का IPC सेक्शन भी बनता है, साथ ही साथ आप अपनी और दूसरों की ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं, तो आप पूरे तरह से लाइबल है कि आप पे केस किया जाए। और अगर आप बार बार पकड़े जाते हैं और आप पे रिपीटेड फाइन्स होते हैं ड्रंक ड्राइविंग के, तो फिर RTO आपका लाइसेंस भी रद्द कर सकता है, कैंसिल कर सकता है।
किसी भी तरह की दुर्घटना के बाद जब कंपनसेशन की बात आती है तो वो लोगों को जिन्होंने इंश्योरेंस कराया हुआ होता है उन्हें बाद में मिलता है, लेकिन घायल लोगों को, पीड़ितों को उसी वक्त इलाज की जरूरत होती है। आकांक्षा, हम चाहेंगे कि इस बारे में आपने बताएं कि क्या इस तरह की समस्याओं से बचने का या इस तरह की समस्याओं को दूर करने का कोई उपाय, कोई निदान है? जी देखिए, ज़्यादातर एक्सीडेंट्स में जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है उस वक्त, उससे लोगों की जान बच सकती है, ये हम सबको याद रखना चाहिए। और ये जो डर है लोगों के मन में कि पुलिस हमें पकड़ लेगी, तो ऐसा अब नहीं है। पहले लोग काफ़ी डरते थे, बट इंसानियत के नाते हमें सबसे पहले उनकी मदद करनी चाहिए, उनको नज़दीकी अस्पताल ले जाना चाहिए। पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी, आपको नहीं बुलाएगी, आप वहाँ पे पेशेंट को एडमिट करवाइए। और जो मेडिको लीगल रजिस्टर होता है अस्पताल का, वो अस्पताल वाले खुद पुलिस को उसमें बुलाते हैं और उसके बाद कार्रवाई करी जाती है। अगर स्टेटमेंट लेना होता है या जो भी पुलिस की कार्रवाई होती है उसके बाद करी जाती है। अगर मैं और आप पहुंचाएं पेशेंट को उस वक्त दुर्घटनाग्रस्त आदमी को, तो हम पे कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट अच्छी चीज़ है, करना चाहिए हम सबको। तो चलिए, काफ़ी सारी बातें आज हमें आकांक्षा ने बताया हमें कि कैसे मोटर व्हीकल एक्ट काम करता है, क्या कुछ चीज़ें इसके दायरे में आती हैं। इसके अलावा सड़क पर अगर आप उतरते हैं गाड़ी के साथ या गाड़ी के बिना, तो किन किन चीज़ों को जानना आपके लिए ज़रूरी है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आकांक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सारी बातों के लिए। अगले एपिसोड में हाजिर होंगे फिर किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।